जय भीम, नमो बुद्धाय, लॉर्ड बुद्धा। टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। दर्शकों, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, आप लोग देख रहे हैं ये लॉर्ड बुद्धा टीवी का अलग ही पहल है जिस कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ संविधान, संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो लिखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पहल करता है, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल हर गांव में, हर घर में, हर शहर में पहुंचने का प्रयास करता है, लोगों से रूबरू होने का प्रयास करता है और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ले आने का प्रयास करता है, जिससे हम जानेंगे लोगों की राय क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। मेरा नाम विशाखा दुधमल उबारे है, मैं बसमत नगर जिला हिंगोली से बात कर रही हूँ। हम यहाँ पर सब मिलकर आज भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका जो है प्रास्ताविका, उसका पठन करने वाले हैं। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स, भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वंदामि
सर्वदा। दर्शकों, बाबा साहब ने इस संविधान के माध्यम से इस भारतवर्ष को पूरे लोगों को एक अलग ही पहचान दी, एक आइडेंटिफिकेशन दिया, और जिसे हम भारतीय कहते हैं। हर एक भारत को यहाँ पे भारतीय होने का, नागरिक को यहाँ पे पहचान दी, उसे हम इंडियन कहते हैं। दर्शकों, ये भारत का संविधान आप सभी को पता होगा, इस देश को जो फंडामेंटल राइट देता है उसके साथ साथ बहुत सारे अधिकार इसी भारत के संविधान से हमें मिले हैं। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो क्या होता, आपको पता होगा। तो दर्शकों, यह है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का वसमत का तथागत बुद्ध विहार, और तथागत बुद्ध विहार के सामने इतनी कड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बताएंगे बाबा साहब के इस संविधान के बारे में। तो हम इन्हीं लोगों से आपसे रूबरू करेंगे, क्या कहते हैं लोग बाबा साहब के संविधान में, और जानते हैं उन्हीं लोगों की राय संविधान के बारे में। तय जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साधना पुंडगे। मैं संविधान से ही नगर सेवक हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। संविधान के माध्यम से इस वसमत जो तहसील है या यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का नगर सेवक होने का चांस, नगर सेवक होने की संधि बाबा साहब के संविधान ने यहाँ पे हमारे पुण्यताई को दिए है, जानेंगे। और सम्मान मिला। क्या बात, और क्या मिला आपको संविधान से? सब कुछ मिला संविधान से। जय भीम। जय भीम। जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों। ये थी इस वसमत नगर की नगर सेविका, जिन्हें बाबा साहब के संविधान से मान सम्मान और स्वाभिमान मिला, और यह सम्मान की जानकारी वो रखते हैं। इसकी वजह से हमारे लोगों को न्याय देने का प्रयास भी अपने पद के माध्यम से वो करते रहते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते जाते हैं, बताते हैं संविधान के बारे में, हमें संविधान से क्या मिला। ताई जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? सोनाली उबारे। अच्छा सोनाली, ताई क्या कहोगी संविधान के बारे में? मुझे संविधान ने शिक्षण प्राप्त करने का हक दिया। बहुत अच्छी बात। और क्या दिया? महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हैं संविधान के माध्यम से, पुरुषों के बराबर यहाँ पे चलने का हमें अधिकार मिला है, सर्विस जॉब रिजर्वेशन संरक्षण आरक्षण सब कुछ मिला। जय भीम। जय भीम। जोरदार तालियां हो जाए। हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। आप जानते हैं दर्शकों, इस देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, और इस वर्ण व्यवस्था में शिक्षा देने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को था, लेकिन हम जैसे शूद्र जो वर्ण व्यवस्था में आते थे, इन्हीं लोगों को कोई शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब के ये जो संविधान दिया, और इस संविधान के बलबूते पर इस देश का हर नागरिक अपने जी जान से मन से यहाँ से पढ़ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लोग बताते हैं अपने मन की बात, क्योंकि ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गाँव भारत का संविधान करेगा आदर्श गाँव का निर्माण। क्या कहते हैं लोग? जय भीम। मीरा बंडो कोले राहणार वसमत आंबेडकर नगर। बाबा साहेबाच्या संविधानामुळे मला खूप काही शिकायला मिळालं, आणि आज जे काही आहे ते मी बाबा साहेबाच्या संविधानामुळेच आहे आज मी। जोरदार तालिया हो जाए। जो कुछ भी हूं मैं, ये बाबा साहब की बदौलत है, यानी कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत। ऐसे दिल और जान से लोग अपने विचार यहाँ पे रखते हैं, और बाबा साहब के संविधान के प्रति, बाबा साहब के कार्यकर्तृत्व के प्रति यहाँ पे कृतज्ञ होते हैं दर्शकों। क्या कहती है महिला, जानेंगे लोगों की जुबानी इस देश के संविधान की कहानी, क्या कहते हैं लोग। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाखा दुधमल उबारे है। अच्छा। मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ। क्या बात है। तो एक दौर था कि जब बाबा साहब को समाज में रहने की भी इजाजत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज एक दौर है कि आज एक मैं शिक्षिका होने के नाते मेरे समाज में बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं लोग। बहुत से पेरेंट्स मुझे आज बात करते हैं। तो एक दौर वो था कि बाबा साहब को रहने के लिए इजाजत नहीं थी, और आज का ये जो दौर है कि आज ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति हो या फिर मराठा जाति का कोई व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी जाति का, उच्च जाति निच जाति आज तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो आज मुझे सम्मान से आदर से बात करता है, तो ये सब कुछ जो है ये मेरे बाबा साहब का संविधान है। क्या बात, क्या बात। दर्शकों, इसी प्रकार की बाबा साहब के संविधान के प्रति कृतज्ञता यहाँ पे लोग व्यक्त करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में, जानेंगे उन्हीं की राय। सर जय भीम। जय भीम। क्या नाम है सर आपका? दिवाकर पुंडगे। हाँ सर, क्या कहोगे संविधान के बारे में? इस भारत का संविधान इस पृथ्वी तल पर सबसे श्रेष्ठ संविधान है। बिल्कुल।
जो कि बाबा साहब ने ये बनाया है काफी लगन से। बिल्कुल। और इस संविधान की वजह से आज जो पूरा भारत देश एक जगह पर है। क्या बात है, जो देश टिके वाला है तो पूरे संविधान के ऊपर टिके वाला है। बिल्कुल। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी ऐसी हमारी समझ है। और मैं सभी से अनुग्रह करूंगा कि संविधान का रक्षण करने में अपना सहयोग दे। क्या बात है दर्शकों, संविधान के प्रति इतनी एक निष्ठा रखने का यहाँ पे आह्वान हमारे इस गांव के पुणगे साहब ने किया है। और उन्होंने ये भी बताया दर्शकों कि यह संविधान के वजह से एक भारत को एक संघ रखने का काम किया है, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश की या फिर जो कि अलग अलग जाति में धर्मों में लोग बांटे थे सभी को संविधान के धागे से बांधने का काम किया है दर्शकों। इसी प्रकार लोग अपने विचार रखते जाते रहते हैं। ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। सर जय भीम। बाबा साहब का जो संविधान मानते है तो अखाड़ देश पूरा बोध हो चाहे। क्या बात है, गानों के माध्यम से शेरों के माध्यम से बताइए लोगों को। अच्छी बात, शेर बताऊं या गाना? गाना बताओ, शेर भी। भारत का संविधान ये लिखना सबके बस की बात न थी, भारत का संविधान ये लिखना सबके बस की बात न थी, भारत का संविधान ये लिखना सबके बस की बात न थी, खुद को अंबेडकर कहलाने से सबके बस की बात न थी, खुद को अंबेडकर कहलाने से सबके बस की बात न थी, इसी जगत में भीम जी के पहले कहीं मसीहा आए थे, इसी जगत में भीम जी के पहले कहीं मसीहा आए थे, कर न सके वो करके दिखाया सबके बस की बात न थी, भारत का संविधान ये लिखना सबके बस की बात न थी। जरी जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे हम ऐसे गीतों वाले गाने वाले गायक का स्वागत करते हैं दर्शकों। भारत का संविधान लिखने की सबके बस की बात न थी, क्योंकि यह हौसला था सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर में, क्योंकि बाबा साहब ने यह संविधान जो लिखा, जो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और जो संविधान इस देश के शोषित पीड़ित वंचित घटक लोगों को यहाँ पे न्याय देने का काम करता है। भारत का संविधान समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय और सामाजिक न्याय के अभिसरण में चलने वाली ये शोगाथा आज भी यहाँ पे कायम रहती है अगर लोग इस संविधान को समझ लेते हैं। संविधान से बलबूते पर चलना यानी कि संविधान समझना दर्शकों, और यह संविधान घर घर पहुंचाने के लिए, हर लोगों के घर को यहाँ पे समझने के लिए हम यहाँ पे ये सीख देते हैं संविधान के बारे में, लोगों से राय पूछते क्या कहते लोग। जय भीम। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सपना सचिन खरे है। संविधान की वजह से मुझे आज पढ़ाई करना, शिक्षा करना प्राप्त हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी हो या बड़े बंगलों में रहने वाला आदमी, उन सबको समान अधिकार वोट डालने का इस भारत के संविधान की वजह से मिला है। तो मैं इसलिए मैं बाबा साहब की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनकी मैं बेटी हूँ। क्या बात है, बाबा साहब की बेटी ये है। ऐसी रणरागिणी महिला अगर समाज में पैदा हो जाती है कि ये समाज प्रगति के ओर विकास के ओर दर्शकों बढ़ते जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने उसी काल में बताया था जिस समाज की महिलाएं यहाँ पे प्रगति करती है वो समाज भविष्य में बहुत अच्छी प्रगति कर सकता है। और हमें महिलाओं की प्रगति के लिए उन्हें जो कुछ अधिकार संविधान के माध्यम से दिए हैं ये पूरे के पूरे अधिकार उन्हें संविधान के माध्यम से महिलाओं को मिलना चाहिए। लोग जुड़ते जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपने मन की बात, क्योंकि ये शो देख रहे हैं आप मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में, जानेंगे लोगों की राय। जय भीम। क्या नाम है आपका? कवि गायक रंजन हिंगोले। हाँ बोलिए।
क्या कहोगे संविधान के बारे में? बोलिए। भारतीय संविधान सारे जान लो और प्रज्ञाशील करुणा का रिश्ता मान लो। क्या बात है, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। हाँ, गानों के माध्यम से बोलिए। जग घटनाकार, जग घटनाकार म्हणून नाव माझ्या भीमाचं, पदरी घातील सांभाळील म्हणून नाव माझ्या भीमाचं, लेकरू गौतमाच तस नाव माझ्या भीमाच, म्हणून ओठावर नाव येत माझ्या भीमाच माझ्या रमाच। युग प्रवर्तक समाज सुधारक भीमामा लाभले, ईश्वाला तारक बहुजन उधारक, सदा जनिता जागले, संविधान भारताला दिले, संविधान भारताला दिले। म्हणून मी एक शेर म्हणतो, भडका दोषोले हो, भडका दोषोले के सब अत्याचार खाक हो जाए, समता की उठाओ शमशीर के 56 साल आ जाए, हलचल मचा दो ऐसी के सारा जहां कांप उठे कांप उठे, दफना दो आपस की बेकी ये जय भीम वालों और सब एक हो जाए। जय भीम, जय भीम। दर्शकों, इतनी मिठास आवाज, मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, क्या कहती? जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? पूजा उबारे। अच्छा, क्या कहोगे पूजा ताई संविधान के बारे में? संविधान से मुझे यहाँ बोलने का हक मिला है। क्या बात है, और क्या है संविधान से, क्या मिला? संविधान से मुझे सब कुछ मिला है। क्या बात है। जय भीम। दर्शकों, संविधान से हमें बोलने का अधिकार मिला, संभाषण का अधिकार मिला। महिलाएं जुड़ती है हमारे साथ, क्या कहती ताई? जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? वंदना उबारे। वंदना ताई, क्या बोलेगी संविधान के बारे में? संविधान मुळे सगळं काही आपल्याला बाबासाहेबांनी मिळालं। अच्छा, अजून महिलांसाठी काय केलं संविधानानं? सगळं जे काही ते केलं महिलांसाठी संविधानासाठी। जय भीम। जोरदार ताल्या हो जाय दर्शक, क्या कहते लोक? माय जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मंदा मस्की। अच्छा, काय दिलं संविधानानं तुम्हाला? संविधानानं सर्वच का आहे ते दिलेलं आहे, सर्वच तुम्हाला दिलं संविधानानं। महिला इथून सारख्या कुठेतरी जावाव्या, चांगल्या ठिकाणी बसाव्या। अच्छा, आणि रमायुनी होवाव्या। क्या बात आहे, असं जोरदार ताल्या। दर्शकों, इस प्रकार की हमारी देहाती महिला हमारे साथ जुड़ती जाती रहती है। यह संविधान के विचारों का कारवा हम आगे लेके जाने का यहाँ पे जो प्रयास करते हैं, लोग क्या कहते हैं हमारे साथ? बाबा जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मारोत्रो खरे। क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान जो है तो अपनी सबकी जान है। क्या बात है। संविधान जो है तो अपनी सबकी जान है। हम संविधान को हमेशा हमेशा संविधान को जीवंत रखने की हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे। जय भीम। जय भीम। जय भीम। दर्शकों, इतनी ज्यादा उम्र में भी बाबा सबके संविधान के प्रति यहाँ पे जागरूक होने की आशा लोग रखते हैं, क्या कहते हैं लोग जानेंगे? बाबा जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? अर्जुन खंजारे। क्या कहोगे खंजारे साहब? अपने संविधाना मुळे आम्हाला बहुत बड़ा सन्मान मिले, सेवास्ते हम एक शेर गाएंगे। आकाश में चांद आया तो झुकने लगे तारे सारे, आए बाबा इस जगत में तो झुकने लगे जरगे सारे, करती है फरियाद काही करो साल, तब पैदा होता है जाकर एक जय भीम का लाल। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। दर्शकों, लोग जुड़ते जाते रहते हैं हमारे साथ, कहते अपनी मन की बात, क्योंकि ये जो शो है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इस प्रकार का वातावरण जिस गांव में होता है, जिस शहर नगर डगर में होता है, वो गांव कहलाता है आदर्श गांव। और इसी प्रकार का हर गांव गांव में इस आदर्शवत वातावरण निर्माण हो, संविधान के बलबूते पर यहाँ का शासन प्रशासन चले और इस वंचित शोषित पीड़ित लोगों को यहाँ पे
एक संदेश मिलने का हो सकता है, तो जानेंगे क्या कहते हैं। जयंती चया दिनी हर्ष हो तो यामनी, हर्षली जनता सारी नाचती हो या दिनी, मग्न होनी आता नाचती हो या दिनी, मग्न होनी आता नाचती हो या दिनी। बाबा जन्माला हाले, जन्माला हाले, चौदा एप्रिल दिनी दिनिया, बाबा जन्माला आले, जन्मास आले, चौदा एप्रिल दिनी। बाबा तुम्ही झटले किती हो दलितासाठी या देशासाठी, बाबा तुम्ही झटले किती हो दलितासाठी या देशासाठी, उद्धार तो आमचा केला केला का सांगा कुणी, नव कोटी दलित समाज आहे वो तुमचा ऋणी। बाबा जन्माला आले, जन्मास आले, चौदा एप्रिल दिनी दिनिया, बाबा जन्माला आले, जन्मास आले, चौदा एप्रिल दिनी। बहुमान तुम्हा घटनाकारांचा दिला हक आम्हा समतेचा, बहुमान तुम्हा घटनाकारांचा दिला हक आम्हा समतेचा, लोकशाही या भारताची, लोकशाही या भारताची, लिहली आहे तुम्ही कौतुक केले देशाने, जेव्हा लिहली घटना नवी। बाबा जन्माला आले, जन्मास आले, चौदा एप्रिल दिनी दिनिया, बाबा जन्माला आले, जन्मास आले, चौदा एप्रिल दिनी। तर दर्शको, इतनी मधुर आवाज में लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जुड़ जाते हैं, क्या कहते हैं। अमृतवाणी हे बुद्धाची ऐक देऊनी ध्यान साधन्या या जन्मी निर्वाण, साधन्या या जन्मी निर्वाण। अमृतवाणी ही बुद्धाची ऐक देऊनी ध्यान साधन्या या जन्मी निर्वाण, साधन्या या जन्मी निर्वाण। धम्मायत की सुयोग शिकवन अन्य कुठे ही मिळे न शोधुन, धम्मायत की सुयोग शिकवन अन्य कुठे ही मिळे न शोधुन, तथागताची शाश्वत सत्ते, तथागताची शाश्वत सत्ते, स्वानुभवाने जान साधन्या या जन्मी निर्वाण, साधन्या या जन्मी निर्वाण। तृष्णे पोटी दुख निर्मिती, तृष्णे पोटी दुख निर्मिती, जसे बीजातून अंकुर येती, दुख बीज ते नष्ट कराया, दुख बीज ते नष्ट कर
कष्टशील तू जान साधन्या या जन्मी निर्वाण साधन्या या जन्मी निर्वाण साधन्या या जन्मी निर्वाण। दर्शकों, इतनी सुमधुर आवाज से गाने वाली महिलाएं हमारे समाज में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कई चांस नहीं मिलता। ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल इसी प्रकार के लोगों को इस चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया के सामने लाना चाहता है। अगर आप भी इसी प्रकार का कार्यक्रम अपने गांव में, अपने शहर में, अपने डगर में आयोजित करना चाहते हो, तो मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मुझे आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो या संपर्क कर सकते हो, या हमारे मुख्य कार्यालय नागपुर में भी इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु आप संपर्क कर सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद।